हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट जो कि है रिच इन आयरन प्रोटीन एंड फाइबर। बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही है ग्लूटेन फ्री एंड डायबिटिक फ्रेंडली। तो ये रेसिपी आप एक बार जरूर देखना और ट्राई करना, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी। जल्दी बनने के साथ साथ ये बनती है बहुत ही टेस्टी। तो इसके लिए मैंने लिया है एक बोल जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ 100 ग्राम पालक जिसे मैंने अच्छे से धोकर एकदम बारीक काट लिया है। तो आप भी पालक को जितना बारीक हो सके उतना बारीक उसे काटें। इसके साथ ही ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा धनिया और एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ एक गाजर जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था, और ये है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट मैंने इसे कूट लिया था। एक टमाटर जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक। तो मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन जिसे हम मसल कर ऐड करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। बच्चे वैसे सब्जियाँ इसीलिए खाते नहीं हैं, बट जब आप उन्हें ये सर्व करेंगे तो वो आपसे मांग मांग कर खाएंगे। तो अब इसमें ऐड करेंगे बेसन। बेसन को हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही ऐड करेंगे। अभी मैं यहाँ पर 4 से 5 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन हमें उतना ही ऐड करना है जितना कि पालक को बाइंड करने के लिए ज़रूरी है। तो बेसन मुझे यहाँ पर थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं 2 चम्मच और बेसन ऐड कर रही हूँ। यानी 100 ग्राम पालक के लिए मैंने 6 से 7 चम्मच यहाँ पर बेसन ऐड किया है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसका क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, इससे ज़्यादा बेसन ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें एकदम रनी बैटर प्रिपेयर नहीं करना है। बस इतना रनी बैटर होना चाहिए कि हम उसे चिल्ले के फॉर्म में अच्छे से फैला सकें। तो ये एकदम परफेक्ट है, इसे अच्छे से हम स्प्रेड कर सकेंगे तवे पे। तो बैटर हमारा रेडी है, चलिए बनाते हैं इसके पैनकेक्स या चिल्ले। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया है नॉनस्टिक तवा जिसे अच्छे से गर्म कर लिया है, और इस पर हम स्प्रेड करेंगे ये बैटर। क्योंकि हमने सारी वेजिटेबल्स एकदम बारीक चॉप करके ली हैं, तो ये अच्छे से इवनली स्प्रेड हो गया है। तो अब इस पर ड्रिजल करेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल आप चाहें अपने पसंद का कोई भी ले सकते हैं। आप बच्चों को दे रहे हैं तो यहाँ पर घी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। एक तरफ से ये ड्राई हो चुका है, इसे फ्लिप कर लेंगे और आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। हल्के हल्के प्रेस करके इसे दोनों तरफ से पका लेंगे। तो चिल्ला हमारा बिल्कुल रेडी लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलरफुल चिल्ला बना है। बच्चों को ये बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी और खाने में भी। तो इसी तरीके से आप सारे चिल्ले मीडियम फ्लेम पे बनाएं। और अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है, क्योंकि नॉर्मली बेसन का चिल्ला काफ़ी ड्राई होता है, बट क्योंकि इसमें हमने टमाटर और पालक ऐड किया है जिसमें बहुत पानी होता है, तो ये चिल्ला बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगा। आप इसे धनिया पुदीने की चटनी या फिर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को टिफिन बॉक्स में दे रहे हैं तो उन्हें केचप के साथ ज़रूर दें। तो ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करें, आई एम श्योर आपको अच्छी लगेगी। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।